आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। लखीमपुर की घटना में प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए कांग्रेस पार्टी ने रीवा में धरना प्रदर्शन दिया है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि मोदी और योगी सरकार की तानाशाही के चलते सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन कमिश्नर को सौंपते हुए कहा गया है कि देश में दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, जिस पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं लग रहा है। राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने कहा कि जब कोई मोदी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर दी जाती है। लखीमपुर घटना के बाद प्रियंका गांधी की अवैध रूप से गिरफ्तारी इस बात का जीता जागता सबूत है। कांग्रेस पार्टी ने ज्ञापन पत्र के माध्यम से कहा कि लखीमपुर घटना में पीड़ितों से मिलने जा रही प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी अवैध है, जिसकी जांच सहित दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज आप लोगों ने धरना देके ये ज्ञापन सौंपा, किन मुद्दों को लेके आज जाकर उठाया? आज ये ज्ञापन सौंपा गया है, उसमें प्रमुख रूप से दो मुद्दे हैं। एक मुद्दा तो है महंगाई का और दूसरा मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर के प्रियंका गांधी राहुल गांधी जी को गिरफ्तार किया गया है। कोई भी सरकार जनतंत्र में होती है वो देश की रक्षा के लिए होती है, कानून की रक्षा के लिए होती है, संविधान की रक्षा के लिए होती है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो माने घटना हुई है, किसानों को रौंद दिया गया है क्या, और मंत्री का बेटा रौंदा है, सरकार का बेटा रौंदा है, तो जहाँ इस देश की जनता सरकार से न्याय की चाहती है, वही जब सरकार जो है सबूत को मिटाने का काम करने लगे, अपराधियों को बचाने का काम करने लगे और दूसरी कहानी गढ़ने का काम करने लगे, तो जनतंत्र का क्या होगा? ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस देश में पैदा हो रही है, जिसके विरोध में ये धरना दिया गया है। महंगाई का हाल सब जानते हैं कि महंगाई से आम जनता की कमर टूट गई है, हर वर्ग का परेशान है। आज 25 रुपये एकदम गैस के भी बढ़ा दिए, जो कहते हैं कि हम बहनों को उपहार देना चाहते हैं उसके भी दाम बढ़ा दिए गए, तो महंगाई से ये सारा देश त्रस्त है। तो इन दो मुद्दों को लेकर के जो है ज्ञापन सौंपा गया है कि इसमें राष्ट्रपति जी हस्तक्षेप करें, कानून की रक्षा करें, संविधान की रक्षा करें, ताकि इस देश में जनतंत्र सुरक्षित रह सके। कांग्रेस साहब की आवाज़ उठा रही, संघर्ष कर रही है और करती रहेगी।